आज तो बॉर्डर क्रॉस कर देंगे तुषार। चलिए घर जा रहा फिर उनके पहले। Hey guys, welcome to the another talk. And today we are going to Saharanpur. First time after this lockdown 4.0, Saharanpur घूमने के लिए ऐसे। तुषार की चश्मे की डंडी टूट गई। वो अपना दूसरा चश्मा लेके आए। यार वैसे मैं कैमरा लेके आने सोच रहा था, बट सोचा फिर बारिश वारिश का मौसम है ना, बारिश थोड़ी आ रही थी सुबह भी, तो इसलिए मैं कैमरा उठाया नहीं। गाइस आई एम सॉरी, ट्रैफिक का थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा। तो सहारनपुर में बोल रहा था कि काम है सामान लेके आने शॉप के लिए, तो सार बोल रहा कि चलो ब्लॉग भी कर ले, वैसे भी कंटेंट नहीं आ पा रहा, कल भी नहीं आया ना, तो आज मैं ब्लॉग करने, कल मैं एक्चुअली जल्दी सो गया था, इस वजह से ब्लॉग व्लॉग एडिट नहीं कर पाया, थोड़ा बहुत सूख गया था मैं। जिम्मी इधर आओ, ऊपर आ जाओ। हाय 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 मौसम बहुत अच्छा है यार, बारिश वारिश भी थोड़ी हो सकती है, बट वी आर रेडी, अभी जाना तो है। शुक्र है धूप नहीं है यार यहाँ पे, मतलब धूप होती तो मैं आऊँ भी नहीं था यहाँ पे तुषार के साथ, तुषार अकेला जाने वाला था, बट देन ऑन द स्पॉट हमारा प्लान बना कि साथ में चलते हैं, रिवर्स फ्यूलिंग करा रहे। अभी यहाँ से निकलने निकलने बस, तो अभी निकलने वाले 5-10 मिनट में वहाँ निकलने, जैसे तुषार आते फिर अपन निकलते हैं। पता रास्ते में क्या हुआ था, मैं कैमरा वैमरा मुझे अंदर रखना पड़ता, बारिश शुरू हो गई थी बहुत ज़्यादा, दैन अगर बारिश पानी में चली जाती, बारिश का पानी तो बेकार हो जाता, सॉरी बारिश का पानी अगर फोन में चले जाते तो बेकार हो जाता, तो इसमें मैंने उसको नीचे रख दिया था। नाउ काम तो सारा हो गया जो भी हम करने हैं, तो अभी घर जाना है, लिटरली टू टायर्ड। दोपहर में खाने के टाइम पर मैं खाया छोले भटूरे खस्ता बस। Hey guys, good morning, this is the next day. Well, कल तो ज़्यादा थक गए थे, तो अभी मैं दिखाता हूँ कल सामान क्या क्या लेके आया तुम लोग। एक तो थोड़ा सा शॉर्ट माल था वो फेस वॉश में था, और ये डिटॉल हैंड वॉश, बस यही सारी चीज़ें थी जो हम लेके। कल एक्चुअली ज़्यादा सामान नहीं आया बिकॉज बारिश वारिश की वजह से ट्रेडर्स लोग मिल नहीं पाए, इस वजह से हमने ज़्यादा मतलब सामान चूज़ नहीं किया, जो भी हो पाया हम खुद ही लेके आ गए। बाय द वे रैक्स हमने कल ही लगवाई सारी, इसमें हमने रखे हैं पल्सेस और चावल, मतलब जो भी हाउस होल्ड नीड्स होते हैं ना वो सारी की सारी हमने चीज़ में रखी। अभी नीचे के ये वाले सेक्शंस ना ये अभी बाकी है रखने में ना, अभी इनका भी सामान अरेंज करना है धीरे धीरे, जैसे जैसे होगा वैसे वैसे मैं आपको पूरी शॉप का एक बार टूर दे दूंगा अच्छे से,
फिलहाल यही है। कल वाला जो भी मैंने शूट किया था ना सहारनपुर का जो भी था, वो अपलोड करने का तो मन कर ही था, लेकिन बारिश की वजह से ना हम लोग एक तो वैसे ही लेट आए थे 5 बजे 5:30 बजे मैं भी पहुँचा। उसके बाद फिर हमने ये जो ट्रैक आई थी ना ये भी कल ही आ गई थी, ऑर्डर पे बनी थी, तो फिर ये था कि चलो पहले रैक भर लेते। वेल मुझे पता है यार, मैं अपनी वो जो कुछ आपकी किताब से उस वाली की वीडियो में अभी डाल नहीं पा रहा, बट सून मे बी आज कल वो भी आ जाएगी, बिकॉज अभी शॉप पर थोड़ा सा काम था। तो फिर मैं सोच रहा था कि चलो यार यहाँ पे ध्यान दे लेते हैं, एंड देर इज वन गुड न्यूज़ कमिंग ऑन द वे, तो वो मैं बताऊँगा आपको बहुत जल्दी जब वो मेरे पास खुद आ जाएगी, अभी तक मेरे पास भी नहीं आई। बट हाँ, सॉरी फॉर द ट्रैफिक एंड सॉरी फॉर द एक्स्ट्रा नॉइस, मैं अभी शॉप पे बैठा हूँ ना, अभी फिलहाल टाइम वो है 12 बज गए पूरे। तो यार मैंने तो चाइनीज़ प्रोडक्ट सारे बंद कर दिए, इनफैक्ट जो मैं आगे से सामान भी खरीदूंगा ना मैं चाइनीज़ नहीं खरीदूंगा। आप लोगों ने किया नहीं किया मुझे बता दो, क्योंकि अभी अभी वन प्लस 8 लॉन्च हुआ है एंड उसके सारे के सारे स्लॉट्स बिक गए जितने भी उसने लॉन्च किए थे इंडिया में। मुझे नहीं लगता ये सब इतना आसान है नहीं है, लेकिन अगर हम एक बार ठान लेंगे ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। कल हम ये वाली मशीन लेके आए, ये वाली, इसमें दो वैरायटी थी, एक तो ये बैम्बेल्यू करके है, ये इंडियन कंपनी है पुणे से है, तो एक चाइनीज़ कंपनी थी वो थोड़ी सस्ती थी, लेकिन हमने ये वाली परचेज करी बिकॉज ये मेड इन इंडिया है। और वहाँ पे जब हम कल मार्केट में जा रहे थे ना, वहाँ पे बहुत सारे सामान ऐसे थे यार, मतलब कुछ जो शॉप ओनर्स है ना उन लोगों ने भी मतलब बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। कल जब उनसे मशीन के बारे में पूछे थे तो उन्होंने बोला था कि ये हमारे पास चाइना की रखी है, हम जो पुराना स्लॉट है वो रखा है, जो नया स्लॉट आ रहा है हम वो मंगा ही नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं यार अगर हम सब मिलके एक साथ ये सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हम एक दिन शायद ये लड़ाई भी जीत जाएंगे। अभी इतना आसान तो नहीं है, देखो सारी जगह चाइना 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 हुआ पड़ा है, एंड बेसिकली चीज़ ये है ना, अब चलो पतंजलि को ले लो, उन्होंने कोरोना को लेके कोरोनिल करके एक दवाई बना दी, दैट इज़ नॉट लाइक अ प्रॉपर क्योर फॉर कोरोना वायरस, बस वो एक इम्यूनिटी बूस्टर है, मुझे बोलना नहीं चाहिए बट मैं बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे ठीक लग रहा है, तो वो एक इम्यूनिटी बूस्ट, अगर ये सच में कोरोना वायरस के लिए एक दवाई है ना, तो यार तुम मेड इन इंडिया कर रहे हो, तुम इंडिया में सारी चीज़ें बना रहे हो, तो उसको सस्ते बेचो, मतलब बहुत सस्ता क्या फ्री बेचो। आप लोग इतने बड़े बड़े लोग, इतने अमीर लोग हो आप, अगर ये चीज़ आप फ्री में नहीं दे सकते तो यार लाना था तुम सब पे, बेचो ही मत इनको, और हम खरीदेंगे भी नहीं, मैं तो नहीं ले रहा, आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट काइंड ऑफ स्टफ, चाहे वो मेड इन इंडिया हो या फिर कुछ भी हो। मेड इन इंडिया हो इसका मतलब ये थोड़ा ना आप कुछ भी बेचोगे या फिर महंगा करके बेचोगे, अगर आप सच में मदद करना चाहते हो तो उसको फ्री बेचो या फिर उस पर कुछ ना कुछ कम करो, दैट इज़ अ पॉइंट आई वॉन्टेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। क्योंकि परसों तरसों से मैं भी सुना था, जब मैं एक दिन चाचा के आ गया था, चाचा ने बोला पतंजलि ने रामदेव ने तो बना दी कोरोना वायरस की दवाई, आई वाज लाइक कि कैसे बना दिया उसने, लाइक द होल वर्ल्ड इज फाइंडिंग द क्योर फॉर दिस कोरोना वायरस एंड द पतंजलि बाबा रामदेव हैज केम अप लाइक ये रही कोरोना वायरस की दवाई, प्योर एंड ठीक हो जाओ। भाई सब कुछ खरीदा जाता है, जो टेस्ट वेस्ट होते हैं ना, बोले होंगे कि इतने पे टेस्ट करें इतने ठीक, सब कुछ बिका होता है यार, डोंट ट्रस्ट। बाकी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है आपको तो मार्केट में बहुत सारे सस्ते ऑप्शन अवेलेबल है, तो उन चीज़ों पे मत जाना, ये सब चीज़ें सब धंधा है, सब धंधा है। बाकी आप लोग मुझे समझदार हो, कहाँ पे ध्यान देना है कहाँ पे ध्यान नहीं देना। वेल मैंने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की, अगर किसी को ठेस पहुँचाई हो तो मुझे माफ़ कर देना, बट वी हैव पॉइंट ऑफ व्यू जो हम शेयर कर सकते हैं, तो मैं यही सोचता हूँ, बिकॉज देर वॉज अ टाइम जब पतंजलि का, छोड़ो यार आई वॉन्ट टॉक अबाउट दैट, सो विद दैट गाइज आज की वीडियो में बस मैं यहीं पर रखता हूँ। एंड एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है मेरी लाइफ की, एंड दैट आई एम गोना शेयर यू मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, बट इन दिस मंथ आई विल शेयर दैट। तो आज के लिए बस यहीं पर रखता हूँ, एंड विद दैट गाइज ख्याल रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।